Hi guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself Suman Bishnoi और आज हम बात करेंगे ASRB NET Livestock Production Management के previous year question paper के बारे में. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल Agriculture and GK को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो एग्रीकल्चर एंड जीके नाम से है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. देन अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट रैंक इन मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन इन वर्ल्ड. ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला वर्ल्ड में, मतलब फर्स्ट रैंक किसकी है? मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन करने वाला. ठीक है, तो कौन सा एरिया है? डेनमार्क. ठीक है, ये पूरे विश्व में पूछा है, इंडिया का नहीं पूछा. पूरे संसार में कौन सा है? तो पूरे संसार में कौन सा है? डेनमार्क. ठीक है, उसके बाद में है सेकेंड क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ मिल्क. जो मिल्क है उसका स्टरलाइजेशन टेम्परेचर जो है वो कितना होता है? तो मिल्क का स्टरलाइजेशन टेम्परेचर, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से इसका राइट आंसर है 93 से 94 डिग्री सेल्सियस. ओके, और 30 मिनट्स के लिए. उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, CIRB जो है, CIRB का मीन क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलो लोकेटेड. ठीक है, जो भैंस के लिए जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? हिंसार हरियाणा में. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रोविंग फीमेल का फ्रॉम 12 मंथ्स टिल इट्स फर्स्ट काल्विंग इज कॉल्ड. ठीक है, एक मतलब फीमेल काल्फ है 12 मंथ्स का, और उस वो उसकी जो फर्स्ट काल्विंग होगी, काल्विंग किसे बोलते हैं? मतलब काफ को पैदा करते समय जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं काल्विंग. ठीक है, तो उसका उससे क्या बोलेंगे? ठीक है, तो उसे बोलेंगे हाइफर. ठीक है, फीमेल काफ को बोलेंगे हाइफर. ठीक है, उसके बाद में है गेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ इज, जो काऊ है उसका गेस्टेशन पीरियड क्या होगा? गेस्टेशन पीरियड सभी का अलग अलग होता है, तो जो काउ है उसका कितना होगा? 228 डेज, मतलब कि 82 डेज, इसमें से 10 डेज कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद में है सेपरेटिंग ए यंग का फ्रॉम इट्स मदर फ्रॉम मिल्किंग एंड शकिंग इट इज कॉल्ड. ठीक है, मतलब कि जो यंग काफ है उसको अपनी मदर से अलग रखना, अलग करना. ठीक है, मतलब तो उसे क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को वियनिंग बोला जाता है. ठीक है, देन उसके बाद में है विच कंट्री हाईएस्ट एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार के अंदर कौन सी मतलब कंट्री है, कौन सा देश है जो कि एग प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है. ठीक है, तो कौन सा है? चाइना. चाइना में एग का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, उसके बाद में है विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट कैटल स्टॉक इन द वर्ल्ड. कौन सी कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पे कैटल स्टॉक जो है वो ज़्यादा है? तो कहाँ पे है? ब्राज़ील में. ठीक है, उसके बाद में है रेस्पायरेशन रेट इन शिप इज, जो शिप है उसमें रेस्पायरेशन रेट कितना है? तो शिप का रेस्पायरेशन रेट कितना है? 15 से 30 पर मिनट. ठीक है, यानी कि 1 मिनट में जो शिप है, जो भेड़ है, वो 15 से 30 बार सांस लेती है. ठीक है, उसे ही रेस्पायरेशन रेट कहा जाता है. उसके बाद में है होलिस्टीन केटल, होलिस्टीन केटल ब्रिड बिलोंग टू, जो होलिस्टीन फ्रीजन जो ब्रिड है कैटल की, किसकी है? ये काऊ की ब्रिड है. ठीक है, ये कौन सी जगह से बिलोंग करती है? तो ये नीदरलैंड से बिलोंग करती है. ठीक है, नीदरलैंड की एक ब्रिड है, ये एक एक्जोटिक ब्रिड है. ठीक है, उसके बाद में है फ्लोर स्पेस रिक्वायर फॉर काऊ इन कवर्ड एरिया इज. ठीक है, मतलब कि कोई भी काऊ है, गाय है, ठीक है, उसके लिए जो फ्लोर स्पेस एरिया रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा? ठीक है, तो कितना होगा? 3.5 मीटर स्क्वायर. ओके, उसके बाद में है मेल ऐश स्कॉल. ठीक है, मेल ऐश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जैकेस. ठीक है, उसके बाद में है टेम्परेरी टीथ इन हॉर्सेस.
ठीक है, जो हॉर्स होते हैं उनमें जो टेम्प्रेरी टीथ्स होते हैं, जो दांत होते हैं टेम्प्रेरी, वो कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 24, ठीक है। उसके बाद में आई गोट ऑफ 1 to 2 years ऑफ एज इज कॉल्ड, यानी कि कोई बकरी है जिसकी एज 1 से 2 साल है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? ईयरलिंग, ठीक है। उसके बाद में है जनरल टर्म अप्लाइड टू डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड, ठीक है। ए जनरल टर्म अप्लाइड टू डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड, ठीक है। एक जनरल टर्म बताओ जो कि किसके लिए यूज़ की जाती है? डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, क्या? लाइव स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद में है EMRT स्टैंड फॉर, यानी कि EMRT क्या है, उसका फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो उसका पूरा नाम क्या है, सही नाम क्या है? बुल्क मिल्क रिंग टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में है हाईएस्ट कैटल मीट प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में हाईएस्ट कैटल मतलब कि कैटल से जो मीट प्रोडक्शन होता है वो हाईएस्ट इंडिया में कौन से एरिया में होता है? तो कौन से एरिया में होता है? केरला में, ठीक है। और हाईएस्ट काउ मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो वर्ल्ड में कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? USA में होता है, ठीक है। उसके बाद में है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ए नेशनल वाइड स्कीम है जो कि टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ काउ इन ए फोकस्ड एंड साइंटिफिक मैनर। द मिशन इज ए फोकस्ड प्रोजेक्ट अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। लॉन्च डेट, ये जो मिशन था ये कब लॉन्च किया गया? तो कब लॉन्च किया गया? 28 जुलाई 2014 को ये जो स्कीम थी ये लॉन्च की गई, ठीक है। उसके बाद में इन विच स्टेट हाईएस्ट वूल प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी कि भारत में वो कौन सी स्टेट है, कौन सा राज्य है जो कि ऊन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है? तो कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में है इन रूमिनेंट हाउ मैनी कंपार्टमेंट्स ऑफ स्टोमच आर देयर, यानी कि जो रूमिनेंट पशु होते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उनके जो मतलब जो स्टोमच होता है उनमें कितने कंपार्टमेंट्स बने होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में चू स्टोमच इन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स में चू स्टोमच कौन सा होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो एबोमिज्म होता है ना वो कौन सा होता है? चू स्टोमच होता है, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था ना कि 4 होते हैं रूमिनेंट में कंपार्टमेंट्स, तो ये 4 होते हैं, ठीक है। उनमें से जो चू स्टोमच होता है वो कौन सा होता है? एबोमिज्म, ठीक है। उसके बाद में है कास्ट्रेटेड मेल ऑफ कैटल इज कॉल्ड, ठीक है। जो बंध्या मेल होता है, नर होता है, उसे क्या बोला जाता है? तो क्या बोलते हैं? बुल्क, ओके। उसके बाद में है काफ डिफ्टेरिया इज ए डिजीज केज्ड बाय, जो काफ डिफ्टेरिया डिजीज है वो किसके द्वारा फैलती है? तो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से फैलती है, ठीक है। फिर आई मेल हावर्स अंडर 3 ईयर ऑफ एग इज कॉल्ड, यानी कि जो 3 साल तक का जो हॉर्स होता है, जो मेल हॉर्स होता है उसे क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? फोयल, ठीक है। उसके बाद में डीहॉर्निंग इज द रिमूवल ऑफ, डीहॉर्निंग मतलब क्या है? डीहॉर्निंग में क्या रिमूव किया जाता है? तो हॉर्न्स या फिर जिन्हें सींग बोला जाता है उन्हें रिमूव किया जाता है, यानी कि हॉर्न्स को रिमूव करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? डीहॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद में है ग्रैविंग मीन्स, यानी कि ग्रैविंग क्या होता है? तो ग्रैविंग का मीन्स क्या है? एबोर्ट, ठीक है। उसके बाद में है इन विच स्टेट हाईएस्ट गोट मीट प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी कि इंडिया का कौन सा राज्य है जिसमें कि गोट मीट का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद में है फैट परसेंटेज इन खोआ, जो खोआ होता है उसमें फैट परसेंटेज कितना होता है? 31%, ठीक है। उसके बाद में है विच एनिमल मिल्क इन मैक्सिमम प्रोटीन परसेंटेज, कौन से एनिमल की मिल्क में जो मैक्सिमम प्रोटीन परसेंटेज पाया जाता है? तो शिप या फिर भेड़ के दूध के अंदर या मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन की परसेंटेज मैक्सिमम होती है, ठीक है। उसके बाद में है एवरेज गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट इज डेज, यानी कि जो गोट होती है उसमें एवरेज गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? तो 148 से 156 दिनों का होता है, ठीक है। ये भी सभी का अलग अलग होता है, ऊपर हमने काऊ का भी पढ़ा था 282+10 days का होता है, ठीक है। उसके बाद में है द सेक्रेशन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ काउ जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द काफ इज बोर्न इज कॉल्ड, तो क्या बोला जाता है उसे?
कॉलिस्ट्रम्स, ओके, यानी कि जस्ट कि मतलब कि काल्विंग हुई है, ठीक है, न्यू काफ बॉर्न हुआ है, तो उसके बाद में जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क आता है तो उसे क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम या खीस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में है चैवन मीटिस, यानी कि चैवन कौन से कैटल या कौन से एनिमल के मीट को बोला जाता है, तो गोट का जो मीट होता है, बकरी का जो मीट होता है, उसे क्या बोलते हैं, चैवन बोला जाता है, ठीक है। फिर है क्रोमोसोम इन कैटल आर, जो कैटल है उसमें क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो कैटल्स में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 60, ठीक है। उसके बाद में है द बफेलो विच इज़ कॉमनली नोन एज पेंच कल्याण इज डैश डैश क्वेश्चन मार्क, तो कौन सी है, नीली रावी, ठीक है, जिसे कि ये एक बोफेलो की एक ब्रिड है जिसे कि पेंच कल्याण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये है नीली रावी। उसके बाद में है चिकन, चिकन एग कंटेंट हाउ मैनी प्रोटीन, यानी कि जो चिकन एग होता है उसमें कितना परसेंट प्रोटीन होता है, तो 12% प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद में है ऑल विटामिन्स आर प्रेजेंट इन एग एक्सेप्ट, यानी कि ऑल विटामिन्स कौन मतलब कि एग में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी। उसके बाद में रानीखेत डिजीज है वो क्या है, मतलब रानीखेत डिजीज को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, न्यू कैस्टले डिजीज के नाम से, ठीक है। उसके बाद में है कंट्री विच हाईएस्ट बुफेलो मिल्क प्रोड्यूसिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि कंट्री में वो, यानी कि वर्ल्ड के अंदर वो कौन सी कंट्री है जो कि मतलब बुफेलो मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करती है, उन्हें बुफेलो का पूछा है, भैंस का पूछा है, तो कौन सा है, इंडिया है, भारत, ठीक है। उसके बाद में अब वन डे ओल्ड फीमेल चिक इज कॉल्ड, एक दिन पहले मतलब पैदा हुआ जो चिक है उसे क्या बोलते हैं, पुलेट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब वन डे ओल्ड मेल चिक इज कॉल्ड, एक दिन पहले बॉर्न हुए मेल चिक को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉकरेल, ठीक है। उसके बाद में है ब्रॉयलर इज ऑब्टेन बाय द क्रॉस ऑफ, जो ब्रॉयलर है वो किसके क्रॉस से ऑब्टेन होता है, तो वाइट कॉर्निश और वाइट प्लाईमाउथ रॉक्स, ठीक है, इन दोनों के क्रॉस से मतलब इस ब्रॉयलर जो होता है वो ऑब्टेन होता है, ठीक है। उसके बाद में आयरन लेयर ग्रोइंग पीरियड इज फ्रॉम, तो ग्रोइंग पीरियड क्या है, 8 से 20, ठीक है। उसके बाद में है इन चिकन चू स्टोमच इज, चिकन में चू स्टोमच कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, प्रे वेंट्रिक्यूलम, ठीक है। उसके बाद में है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिक की, जो चिक है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो कितना है, 21 डेज का है। उसके बाद में है लिथल बॉडी टेम्परेचर इन चिकन इज, चिकन में लिथल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो 75 डिग्री सेल्सियस, ओके। उसके बाद में है फ्लोर स्पेस फॉर ब्रॉयलर अप टू 4 वीक्स, तो फ्लोर स्पेस कितना चाहिए होता है ब्रॉयलर को, जो मतलब कि 4 वीक से ज़्यादा को, तो 0.5 फीट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में अब फ्लोर स्पेस फॉर ब्रॉयलर अप टू 6 वीक, वो था 4 वीक और ये है 6 वीक, 6 वीक से ज़्यादा का होगा तो उसे 1 फीट स्क्वायर की नीड होगी, ठीक है। उसके बाद में है बी ओ एस टेरूस इज डैश डैश, ठीक है, तो ये क्या है, एक इंडिसेस है, ठीक है। उसके बाद में है हाईएस्ट फैट परसेंटेज प्रेजेंट इन, हाईएस्ट फैट परसेंटेज किस में पाई जाती है, शिप में पाई जाती है या शिप के मिल्क में पाई जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में है एंथ्रैक्स इज ए, एंथ्रैक्स जो है वो क्या है, कैसी डिजीज है, तो ये भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। उसके बाद में है हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर इज फाउंड इन, मतलब कि सबसे ज़्यादा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो किसका होता है, किसका होता है, हैन या फिर मुर्गी का होता है, ठीक है, और कितना होता है मुर्गी का, 41.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर है लेंथ ऑफ एस्ट्रस साइकिल इन गोट, गोट में जो एस्ट्रस साइकिल का जो लेंथ होता है या फिर कितने टाइम तक रहती है, तो कितनी होती है, 20, ठीक है। फिर इनमें अलग अलग दिया हुआ है, जैसे कि कैटल हुआ जो बफेलो और पिग होते हैं उनमें 21 डेज की होती है, गोट में 20 डेज की होती है, शिप में 15 से 18 डेज की होती है, कैमल में 10
दिनों की होती है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में है SNF, जिसे कि क्या बोलते हैं, सॉलिड नोट फैट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ काऊ, यानी कि काऊ में मिल्क में SNF की मात्रा क्या होती है, तो 8.3 या 8.3 होती है, ठीक है। और उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएस्ट्रस एनिमल, तो कौन सा है पॉलीएस्ट्रस एनिमल, कैटल है, ठीक है। और मोनोएस्ट्रस की बात करें तो कौन सा है, डॉग या कुत्ता। और पॉलीएस्ट्रस में और क्या है, कैटल के साथ साथ पिग भी है। और सीजनली पॉलीएस्ट्रस जो है वो कौन कौन से हैं, वो है हॉर्स है और शिप हो गया और गोट, ठीक है, ये क्या है, सीजनली पॉलीएस्ट्रस है, ठीक है। उसके बाद में है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क फैट इज, जो मिल्क फैट होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो कितनी होती है, 0.93, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की, तो इम्प्रूव्ड ब्रिड कर्न फ्रिज इज ए क्रॉस बिटवीन, जो कर्न फ्रिज जो ब्रिड है वो किसके क्रॉस से मतलब इम्प्रूव की गई है, तो किसके, थारपारकर इंटू होलिस्टीन फ्रीजियन, ठीक है, थारपारकर काऊ की जो ब्रिड है उसके और होलिस्टीन फ्रीजियन जो काऊ की ब्रिड है उसके क्रॉस से जो कर्न फ्रिज है वो डेवलप की गई है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करती हैं, जो गोट का मीट है, बकरी का जो मांस होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं चैवन। थोड़ी देर पहले हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें ये पूछा गया था कि चैवन किसके मीट को बोलते हैं, तो उसका आंसर था गोट। और यहाँ पे क्वेश्चन अपोजिट है कि गोट के मीट को क्या बोलते हैं, तो चैवन, ठीक है। तो उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वेटनरी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 27 अप्रैल या 27 अप्रैल को क्या किया जाता है, वर्ल्ड वेटनरी डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है पल्सेस रेट ऑफ चिकन, पल्स रेट ऑफ चिकन कितनी होती है, 130 से 160 पर मिनट होती है, ठीक है। उसके बाद में है विच ब्रिड ऑफ बुफेलो इज नोन एज मिनी एलिफेंट, यानी कि जो भैंस है उसकी कौन सी ब्रिड है जो कि मिनी एलिफेंट या छोटे हाथी के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी है, जाफराबादी है। और उसके बाद में बात करेंगे हम वेल आईज प्रेजेंट इन विच ब्रिड ऑफ बुफेलो, जो वेल आइज होती है वो भैंस की कौन सी ब्रिड में पाई जाती है, तो नीली रावी में पाई जाती है, ठीक है, नीली आइज होती है इसकी, ब्लू कलर की, ठीक है। उसके बाद में है लोला या फिर म्यूटेनी इज अनदर नेम, यानी कि लोला या फिर मुल्तानी जो है वो कौन सी ब्रिड का नाम है, तो साहिवाल को बोलते हैं। उसके बाद में है विच सिंधी इज अदर नेम ऑफ, सॉरी वाइट सिंधी, वाइट सिंधी किसका दूसरा नाम है, तो वाइट सिंधी किसका दूसरा नाम है, थारपारकर जो गाय है उसका दूसरा नाम है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिनो ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की मेरिनो किसे बोला जाता है, तो चोकला को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में है बेस्ट कारपेट वूल इज प्रोड्यूस फ्रॉम, जो बेस्ट कारपेट ऊन है वो किससे प्रोड्यूस की जाती है, तो बीकानेरी से, बीकानेरी ब्रिड से मतलब। उसके बाद में है विच ब्रिड इज नोन एज सिटी गोट, यानी कि कौन सी ब्रिड है जिसे सिटी गोट के नाम से जाना जाता है, तो बारबरी, बिकॉज इसका साइज छोटा होता है बहुत ही, ठीक है, इसलिए बारबरी को शिट गोट के नाम से जाना जाता है, सिटी गोट के नाम से। उसके बाद में है टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना, तो आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोअन डिजीज ऑफ कैटल, यानी कि कैटल में होने वाली वो कौन सी डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ से होती है, तो कौन सी डिजीज है, कोक्सीडायोसिस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिड इज नोन एज मिल्क क्वीन ऑफ गोट, यानी कि जिसे मिल्क क्वीन ऑफ गोट के नाम से जाना जाता है वो कौन सी ब्रिड है, कौनसिया सानेन, ठीक है। उसके बाद में विच ब्रिड इज नोन एज जर्सी काऊ, कौन सी ब्रिड है जिसे जर्सी काऊ के नाम से जाना जाता है, तो अंगोला जो है जो नुम्बीनिया से है उसे क्या है, जर्सी काऊ के नाम से जाना जाता है। फिर है क्वालिटी ऑफ एग इज चेक्ड बाय, जो एग की क्वालिटी है वो किसके द्वारा चेक की जाती है, कंडलिंग के द्वारा, कैंडलिंग के द्वारा चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद में है फॉर ब्रीडिंग इन शिप ए रेम कैन बी यूज आफ्टर अटेंडिंग द एग ऑफ,
तो कितने टाइम बाद, 18 मंथ्स के बाद, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन कंटेंट इन काऊ कोलेस्ट्रम, काऊ की जो खीस होती है कोलेस्ट्रम होता है, उसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो 12.8% प्रोटीन होता है। उसके बाद में प्रोटीन कंटेंट इन बुफेलो कोलेस्ट्रम, बफेलो के कोलेस्ट्रम में कितनी पाई जाती है, 21.4%, ठीक है। उसके बाद में है टोलेस्ट शिप की ब्रिड कौन सी है, यानी कि जो शिप की ब्रिड है जो कि लंबी है, तो कौन सी है, नीलोरी, ठीक है। उसके बाद में है कैटल डिजीज कम्युनिकेटेड टू ह्यूमंस, ठीक है, यानी कि कौन सी डिजीज है जो कि पशुओं से ह्यूमन में या इंसानों में हो सकती है, तो एंथ्रेक्स है। उसके बाद में है पीएचओ फ्रेशली ड्रॉन मिल्क, ठीक है, तो फ्रेशली ड्रॉन मिल्क होता है, उसकी पीएच कितनी होती है, 6.5 से 6.7। उसके बाद में है फॉर ब्रीडिंग द नंबर ऑफ इवेज पर रैम, तो यानी कि फॉर ब्रीडिंग द नंबर ऑफ इवेन पर रैम, एक रैम से कितने इवेस जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो 40। उसके बाद में है विच डिजीज ऑल्सो नोन एज स्पेलनिक फीवर, ठीक है, तो किस डिजीज़ को जाना जाता है, एंथ्रेक्स को जाना जाता है स्पेलिनिक फीवर के नाम से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हैचलिंग ऑफ फर्लीजाइड एग्स टेकन प्लेस एट, तो इसमें क्या है, 21 डेज 38 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की स्लाइड का, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि मैंने आपको जो भी बताया आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वीडियोस की लिंक भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप IBPS, AFO, NABARD, FCI इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।